हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिता। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ कि इतने दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी दोस्तों। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि आपके घर के सारे खटमल ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज का ये बहुत ही अहम टॉपिक है। कुछ अलग अंदाज में मैं आपको बताऊंगी और इससे इस ये सारे इंग्रेडिएंट जो है आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, घर की चीज़ों से बन जाएगा दोस्तों, जो कि आपके किचन में पड़ी है। आपको लग रहा था ये कुछ काम की नहीं है, लेकिन दोस्तों आज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और आपके घर के सारे खटमल ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक जग। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भी जग लेना है। और यहाँ पर मैं 1 कप पानी ले रही हूँ। 1 कप पानी लेना है दोस्तों। आप कितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, पर मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, या आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो वो हिसाब से पानी ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। और दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल सा आसान सा नुस्खा है ये। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप नमक ऐड करेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आसपास के छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी नहीं आएंगे, खटमल तो आएगा ही नहीं डेफिनेटली, लेकिन साथ ही वो कीड़े भी नहीं आएंगे। और दूसरा हमें लेना है बेकिंग सोडा, बहुत ही थोड़ा सी लेना है। और इन सबको थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि ये एक्टिव हो जाए। तो ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मिक्स हो जाता है। तो अब ये मिक्स हो गया है दोस्तों। अब हम ऐड करते हैं इसमें कपूर। दोस्तों कपूर बहुत ही सिंपल सा कहीं पे भी मिल जाता है और बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है। दिखने में ये सिंपल है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से मार्केट में मिलता है, 10 से 15 रुपये में मिल जाता है दोस्तों, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये देखिए, इसको मैंने 2 कपूर का पाउडर बना लिया है और इसमें मैं ऐड करती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं मैम कपूर कूटने तो हमें भी आता है, तो मैंने सोचा चलो आप सबको आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में ऑलरेडी रख ली हूँ। तो अब इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, पहले इसको ऐड कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए मिक्स हो रहा है। अभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोस्तों, फिर हमें एक इंग्रेडिएंट्स और ऐड करना है। इसके बाद हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, हमारा पावरफुल नुस्खा बनकर तैयार होगा। लेकिन अभी ये थोड़ा अधूरा है दोस्तों, उसके बिना ये पूरा नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, अब हमें यूज़ करना है। ये देखिए डेटॉल है ना, पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, पावरफुल नुस्खा बन जाएगा इससे हमारा। तो अब हमें यहाँ पे मैं 1 चम्मच से ज़्यादा ही लूँगी दोस्तों। देखिए 1 चम्मच से एक्स्ट्रा भर के ले लीजिए अच्छे से। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए आपका घर का फ्रेश खोया जैसा बन गया है। ये देखिए अभी ये खोए जैसा ही हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह दूध फट जाता है। तो ओह यस, मैंने उस टाइप की वीडियो को भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ये देखिए मिक्स हो गया है अच्छे से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक अच्छी सी बॉटल लेना है, उसमें आपको ऐड करना है, इस्तेमाल करना है। और क्या करना है आपको, बस इसी इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। 1-2 हफ्ता आपको ये चल जाएगा आराम से और जो है आपके घर के सारे खटमल मर जाएंगे या भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा टिप्स और दूंगी मैं आपको, जो हमने नमक ऐड किया है उसे ज़रूर ऐड करिए ताकि आसपास के जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे कि चूटी हो गई, मूंगी हो गई, और जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों वो नहीं आएंगे। अगर आप नमक से पोछा लगाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके शेक करके इसको यूज़ करना है। तो चलिए मैं इसको बॉटल में ऐड कर लेती हूँ, पोर कर लेती हूँ। और क्या है दोस्तों, आप चाहे इसको स्प्रे करिए डायरेक्टली या फिर आप जो है इसका पोछा लगाइए सुबह शाम, जो भी आप जैसा इस्तेमाल करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन बनाना आपको सेम ही है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर आप लोग इसको शेयर कर दें, और लाइक तो बनता है, मेरी मेहनत है आप लोग के साथ।
तो चलिए फिर से मिलूंगी अच्छी सी टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला। तब तक का दुआ में याद रखिए। बाय बाय।